स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस स्थापना दिवस, मनमोहन संघ राहुल ने काटा केक। मेलबर्न टेस्ट, जसप्रीत बुमराह ने छक्के से रचा इतिहास तोड़ा 39 साल पुराना रिकॉर्ड। यूथ ओलंपिक की स्वर्ण पदक विजेता मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब जीता। तो देखते हैं खबरें विस्तार से। नई दिल्ली आज कांग्रेस पार्टी का 134वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहराया और केक काटा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता अशोक गहलोत, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, आनंद शर्मा, एके एंटनी, गुलाम नबी आजाद और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे। मेलबर्न भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए कंगारुओं को घुटनों पर तो लाया ही और वही 39 साल पुराना टेस्ट रिकॉर्ड भी तोड़ा है। नई दिल्ली मनु भाकर ने राष्ट्रीय चयन ट्रायल की 10 मीटर एयर पिस्टल में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला और जूनियर फाइनल दोनों वर्गों में खिताब जीते, जबकि अंजुम मोदगिल 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में शीर्ष पर रही। तो खबरों में इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।